आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपको भी चार्जिंग कनेक्टेड डिवाइस वीओ यूएसबी ये वाली प्रॉब्लम आती है, इस तरीके से अगर आपके भी फ़ोन में लिखा रहा है चार्जिंग कनेक्टेड डिवाइस वीओ यूएसबी, तो इसको आप ठीक कैसे करोगे। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वाली प्रॉब्लम है बेसिकली बहुत सी लोगों की। इस इश्यू को इस वीडियो में हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे और क्या करना है वो अभी आपको बताएंगे। देखिए, चार्जिंग कनेक्टेड डिवाइस वीओ यूएसबी और टैप टू मोर ऑप्शन, बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि ये आता कब है। जैसे हम हमारे फ़ोन में यूएसबी पेन ड्राइव या फिर OTG कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद ये आता है। अब बहुत सी डिवाइस की ये दिक्कत है कि ये ऑटोमेटिकली आ रहा है, मतलब हम जैसे फ़ोन को चार्ज पर लगाते हैं तो भी इस तरीके से आता है, और हम अगर निकाल भी देते हैं चार्जर को वगैरह को तो भी ये लिखा आता है। उस केस में आपको क्या करना है वो सबसे पहले देखिए। अगर इस तरीके से ही आपको लिखा आता है तो आपको सबसे पहले तो अपने फ़ोन को रिसीट करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी चार्जर पॉइंट से रिलेटेड कोई इश्यू है। तो इसके लिए आप सेटिंग में जाइएगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट वाले ऑप्शन में जाना, रिसीट वाले ऑप्शन में जाना है। अलग अलग फ़ोन की अलग अलग सेटिंग होगी, तो इसके लिए हम ऊपर सर्च बार में सर्च करेंगे रिसीट। यहाँ पे आपको रिसीट लिख देना है, उसके बाद आपके सामने आपकी फ़ोन की रिसीट की जो सेटिंग है वो आ जाएगी। आपको क्या करना है, डिलीट ऑल डेटा पर क्लिक करना है और आपके फ़ोन को पूरी तरह से रिसीट कर लेना है। अगर आप अपने फ़ोन को पूरी तरह से रिसीट करते हैं उससे पहले अपना बैकअप ले लीजिए, डेटा जो भी उसका बैकअप आप करवा लीजिए, और उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। और बाकी फिर भी नहीं आती है देन आपको जो है सर्विस सेंटर जाकर, रिपेयर में जाकर अपने फ़ोन के जो चार्जिंग पॉइंट है उसको ठीक कराने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें अभी कोई प्रॉब्लम हो चुकी है और वो अंदर से है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।